उन्होंने हमारी बात सुनी और कुछ अपने पॉइंट्स भी दिए उन्होंने कि वो खुद क्या समझते हैं, इस वक्त क्या हो रहा है। बेसिकली पेमरा का एक लॉ है जिसमें वो अलाउ करती है 10% फॉरेन कंटेंट और साथ में इसमें 6% इंडियन हो सकता है और 4% बाकी किसी और कहीं का भी कंटेंट आ सकता है। इस वक्त कुछ टीवी चैनल्स पे सिचुएशन ये आ गई है कि वो 50-60% से ऊपर पे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ टीवी चैनल्स का इश्यू नहीं है, उनको भी प्रेशर होता है फ्रॉम द एडवर्टाइजर्स, फ्रॉम अदर सोर्सेज के नहीं जी इस टाइप का कॉन्टेंट चलाएं, रेटिंग ये आ रही है इस तरीके से। तो हमने यही रिक्वेस्ट किया है कि जी रेटिंग सिस्टम को भी देखा जाए, साथ में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि चेक रखती है 10% का, उस पे खास तवज्जो दी जाए और साथ में उसमें कोई इस तरह से एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसकी मंथली या बाई वीकली फोर्टनाइटली उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर ना जाए। देखिए आप लोग सब भी कैमरामैन हैं यहाँ पर, आप ही लोगों की बरादरी के लोग साथ में हर शूटिंग पे होते हैं। जब एक फॉरेन कंटेंट आता है तो वो पाकिस्तान में कोई जॉब क्रिएट नहीं करता, जब लोकल कंटेंट बनता है तो वो ना सिर्फ जॉब क्रिएट करता है, आप सब लोगों को अंदाजा है कि एक ड्रामे में कम से कम 500 से 1000 लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रोजगार से इंगेज होते हैं। अगर एक घंटा वो हटता है तो इसका मतलब ये है कि एक हफ्ते में एक घंटा तो 7 घंटे हो जाते हैं। आप सिर्फ ये देखें तकरीबन 500 से 1000 फैमिलीज इफेक्टेड होती हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 के करीब लोगों का रोजगार उससे अफेक्ट होता है। ये बताने का कोर्ट ने आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया? कोर्ट ने हमें ये कहा है कि ये एप्लीकेशन हम आपकी एक्सेप्ट करते हैं और इसको वो फॉरन सुनेंगे। चीफ जस्टिस साहब इज गोइंग फॉर अ फॉरन ट्रिप, वहां से वो वापस आएंगे, जून की हमें कोई डेट मिलेगी उसमें हमें जाना है, वहां पर वो चैनल्स को भी बुलाएंगे। हमने चीफ जस्टिस साहब को भी बताया है कि जी चैनल हमारा क्लाइंट है और वी आर नॉट अगेंस्ट टीवी चैनल्स। जाहिर है कुछ टीवी चैनल्स जो कि एक्सीड करते हैं तो बाकी जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है और उनको